डियर फ्रेंड्स, तो आज जिस हारमोनिका का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द हॉट फेवरेट हारमोनिकास। तो ये जो हारमोनिका है, ये है सुजुकी का SCX-64। तो सुजुकी की SCX सीरीज में 64 के अलावा SCX-48 हारमोनिका और SCX-56 हारमोनिकास जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ होल्स। तो SCX-48 जो है वो 12 होल हारमोनिका है, SCX-56 जो है वो 14 होल हारमोनिका है, और ये जो SCX-64 है ये 16 होल हारमोनिका है। तो बेसिकली इनमें जो टेक्निकल डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो एक नंबर ऑफ होल्स का है। दूसरा, ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ होल्स कम या ज्यादा हैं तो उस हिसाब से जो डायमेंशन है, जो वेट है, वो भी कम या ज्यादा होगा। तो SCX-64 का जो वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम्स है, और SCX-48 का वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 202 ग्राम्स है। तो जो SCX-48 है वो हमारे पास 5 डिफरेंट कीज में अवेलेबल रहता है, जबकि जो 56 है या SCX-64 है ये हमारे पास सी स्केल में अवेलेबल है। तो आइए चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो ये हारमोनिका आपको एक बहुत ही शानदार, अच्छे से पैक में मिलेगा, केसिंग में मिलेगा। तो देखते हैं इस हारमोनिका के फीचर्स कैसे हैं। तो सबसे पहले लेट्स हैव ए क्लोजर लुक ऑफ दिस हारमोनिका। तो इस हारमोनिका का जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा, सबसे पहला फीचर, वो है इसका एर्गोनॉमिकल डिजाइन। सो इसका जो माउथ पीस है वो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ है, बिल्कुल एकदम से आप देखिए राउंड माउथ पीस है। तो जितने भी मैंने खुद हारमोनिकाज प्ले किए हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट माउथ पीस अवेलेबल दैट इज इन द SCX सीरीज। तो एकदम से राउंड माउथ पीस है इसका, बहुत ही बजाने में कंफर्टेबल है। और दूसरा, जो इसका स्लाइडर फंक्शन है वो बहुत स्मूथ है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने CX-12 का आपके साथ रिव्यू किया था, तो CX-12 का जो एक नेगेटिव पॉइंट मैं बताना भूल गया, वो ये था कि जब आप उसका स्लाइडर ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस प्रेस करते हैं बार बार, तो उसका स्प्रिंग जो है या जो उसका प्लास्टिक है, जब वो स्ट्राइक करता है तो एक कटकट की आवाज जो है, टक टक की आवाज जो है, वो कंटिन्यूसली आपको सुनाई देगी ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस। तो वो एक चीज थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होती है आपकी परफॉर्मेंस में, तो वो चीज जो है इसमें नहीं है। एकदम से जो स्लाइडर है और जो माउथ पीस है इसका, एकदम बिल्कुल स्मूथ माउथ पीस है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कॉम्ब की, तो जैसे 270 हॉनर की जो कॉम्ब है वो वुडन की होती है, उसके थोड़े से अपने डिसएडवांटेज हैं कि मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करके उसका जो डायमेंशंस है वो चेंज हो जाती है, या उसमें क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ABS कॉम्ब जो है, इसका जो मेन बेनिफिट हमें है कि इसकी डायमेंशंस जो है वो चेंज नहीं होती, और इसमें कोई भी क्रैकिंग जैसी प्रॉब्लम है वो नहीं होती। तो उसके अलावा अगर मैं रीड्स की बात करूं, तो रीड्स जो हैं इसके नॉर्मली इस रेंज में जितने भी माउथ ऑर्गन्स हैं उसमें कन्वेंशनली ब्रास रीड्स यूज होते हैं, तो इस पर्टिकुलर हारमोनिका में फॉस्फोरस ब्रॉन्ज रीड्स जो हैं वो यूज किए गए हैं। हालांकि उनके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की बात करूं तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज रीड्स जो हैं उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये एक एडवांटेज इसका है, जो मेन एडवांटेज है। डिसएडवांटेज कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि टोनल क्वालिटी जो है उसके साथ कंप्रोमाइज, जब हम फॉस्फोरस ब्रॉन्ज रीड यूज करते हैं तो कुछ वो टोनल क्वालिटी के साथ कुछ हद तक कंप्रोमाइज होता है। तो
अगर आप लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए इस रीड्स को यूज करते हैं फास्फोरस ब्रॉन्ज को, तो टोनल क्वालिटी जो है उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो है वो फर्क जरूर पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है फास्फोरस ब्रॉन्ज रीड्स का। तो ये कुछ हद तक मैंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो हैं आपके साथ इसके डिस्कस की हैं। तो मेजर डिसएडवांटेजेस जो पहले मैं एडवांटेजेस की बात कर लूं, जो मेन एडवांटेज मैंने जैसे कि डिस्कस किया, इसका माउथ पीस बहुत बढ़िया, स्लाइडर मूवमेंट बहुत बढ़िया, कवर प्लेट्स जो हैं एर्गोनॉमिकली डिजाइंड एकदम से बहुत बढ़िया हारमोनिका है ये। तो डिसएडवांटेज इसकी हालांकि कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर्सनली अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने हॉनर का 270 हारमोनिका बहुत ज्यादा प्ले किया है, तो जो भी लोग 270 हारमोनिका बहुत देर से प्ले करते आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको इस पर्टिकुलर SCX सीरीज की जो टोनल क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी ना लगे। अगेन आई विल से दैट दिस इज ए पर्सनल परसेप्शन, बट उसके कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है वुडन कॉम्ब है, ब्रास रीड्स हैं, तो उनकी वजह से एक नेचुरल इको जो है उसकी हो सकता है कि इस मॉडल से थोड़ी सी टोनल क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, बट वो भी एक पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है। बट अदरवाइज मैं बात करूं तो ये जो हारमोनिका है एकदम से एर्गोनॉमिकली डिजाइंड, लॉन्ग रीड लाइफ, एकदम से स्मूथ इसका जो है माउथपीस और स्लाइडर जो है, तो बहुत बढ़िया ये हारमोनिका है। हालांकि मेरे पास इसका 16 होल वाला मॉडल है, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा कम प्ले करता हूँ, क्योंकि मैं 64 होल को स्टेज पे परफॉर्म करना थोड़ा सा मेरे लिए अनकंफर्टेबल फील होता है। तो अगर आप 12 होल हारमोनिका लेते हैं तो वो उसमें ये जो पहले 4 होल्स हैं, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा साइज का, तो ये 4 होल उसमें नहीं रहेंगे, तो ये साइज जो है आपको SCX 48 में मिलेगा। तो ये मैंने कुछ आपके साथ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कुछ इसकी शॉर्टकमिंग्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपके साथ शेयर की। तो आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट देंगी, आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर नाउ।